नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर कोडो मिलेट की एक मसालेदार खिचड़ी। कोडो मिलेट जिसे कोदरा भी कहते हैं और इसे खाने के फायदे भी बहुत है, जैसे कि वजन कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम जितने कोडो मिलेट को पानी से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम 1 लीटर जितनी छाछ लेंगे और उसके अंदर हमारे धोए हुए कोडो मिलेट डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे और गैस ऑन करके हमारे छाछ और कोडो मिलेट के मिश्रण को उस पर उबालने के लिए रखेंगे और इस मिश्रण को हम लगातार हिलाते हुए धीमी से मीडियम फ्लेम पर उबालते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। इसे पकाने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारे मिश्रण को करीब 20 मिनट तक लगातार हिलाते हुए पका लिया है और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले उसमें 1/2 चम्मच जितनी राई डालेंगे और राई जब अच्छे से फूटने लगे तब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से चटक जाए तब उसमें हम चुटकी हींग डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जितना कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसके बाद हम इसमें हमारी सब्जियां डालना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1 मीडियम साइज का कटा हुआ आलू डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद 1 कटा हुआ गाजर डालेंगे और 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 1/2 बाउल जितने हरे मटर और 1 काटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे और इन सभी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जितनी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को सब्जियों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने सभी मसालों को सब्जियों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी डालेंगे और पानी को भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इस पर एक ढक्कन ढक देंगे और करीब 10 से 12 मिनट तक धीमी से मीडियम आंच पर पकने देंगे। तो दोस्तों, 12 मिनट हो गए हैं तो हम हमारी सब्जियों के ऊपर का ढक्कन हटा लेंगे और यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी है। हमारे आलू, मटर, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें हमारी पहले पकाई हुई छाछ वाली कोडो मिलेट इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सब चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस और हमें कुछ नहीं करना है, हमारी कोडो मिलेट की खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है तो आखिर में हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जियों से भरपूर कोडो मिलेट या कोदरा की खिचड़ी बनके तैयार है। तो उसे गैस से नीचे उतार लेंगे और सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे।